आक्रोश है, आप सरकारी भाग में बहुत बुरा हालत है और बहुत दर्द लगता है हमारों। टोटल लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर है, फेलियर। मणिपुर में 3 दिन ठहरा और हमने सोचा कि लड़ाई खत्म होगा, उसके बाद ज्यादा शूटिंग हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा दे के सो गए, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। ऐसी स्थिति पिछले 40 साल में हमने नहीं देखी थी, जो आज हमें देखने को मिल रही है। कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है उल्टा, जो लोग संसद में मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आप मेरे पीछे एक देख पा रहे होंगे कैसे लोगों में आक्रोश है और मणिपुर को लेकर साफ तौर पर यह आक्रोश जताया जा रहा है कि यह मणिपुर जो है वो कई दिनों से जल रहा है और पिछले दिनों जो मणिपुर की जो तस्वीरें आई उसे लेकर जो है लोगों में खासा आक्रोश है। यही कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार वैसे तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है तो विकास होगा, लेकिन मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो मोदी जी मौन क्यों है? मोदी जी क्यों कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है? मैंने कहा कि मन दुख रहा है, कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कार्रवाई की जाएगी? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ये मीडिया भी बिक चुका है। अभी कल ही NI ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा था कि अब्दुल पकड़ा गया, जबकि अब्दुल दूसरे केस में पकड़ा गया, ये कोई केस नहीं था उसका। केंद्र में जो है BJP की सरकार है और मणिपुर में भी जो है BJP की ही सरकार है और इसी सरकार ने वादे किए थे और दावे भी करती है कि हमारी सरकार में बेटियां सबसे सुरक्षित है, क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा दे के सो गए। और आज जो बेटियों का हाल है देश के अंदर के उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, ऐसी स्थिति पिछले 40 साल में हमने नहीं देखी थी, जो आज हमें देखने को मिल रही है। हमने कभी सुना था, कभी दुर्योधन ने चीरहरण किया था, लेकिन आज हम इस युग के अंदर भी देख पा रहे हैं इस चीज़ को। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है, BJP के लोग सारे चुप हैं और विदेशी दौरों पे जा रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, UAE घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत में हो रही घटनाओं पर एक भी लफ्ज़ उनसे नहीं बोला जा रहा, वो चुप के चुप है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। चलो एक बात समझ में आती है कि घटना हो गई, लेकिन उसके बारे में कम से कम बोलना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए, संसद में बयान देना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है उल्टा, जो लोग संसद में मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे सांसद संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया गया, आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं उनके दबाने का काम कर रही है BJP। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ BJP के लोगों को कि इस व्यवहार जो किया उन्होंने उस पर देश से माफ़ी मांगे और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाना बंद करें, क्योंकि आवाज़ ये पूरी दुनिया में उठ रही है। जो मणिपुर में हो रहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया के न्यूज़ में आया है, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में आया है। तो इस चीज़ की जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है और इसकी हम निंदा करते हैं। क्या लगता है, सवाल अगर किया जा रहा है तो उन्हें संसद से निकाल दिया जाता है, तो क्या ये तानाशाही नहीं है? बिल्कुल एक तानाशाही है। और क्या है कि जो आवाज़ उठाए आप उसको बाहर उठा के फेंक दो, संसद में जो लोग
एक जनता जो आवाज़ उठा रही है उनको उठा के बंद कर देते हैं, संसद में जो सांसद हमारे आवाज़ उठाते हैं उनको सस्पेंड करके बाहर कर दिया जाता है, तो खुलेआम तानाशाही चल रही है। जब आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि सब राजनीति करने में जुटे हैं, असलियत में तकलीफ किसी को नहीं है, आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। हमारी मणिपुर की बहनें खड़ी हैं दो चार, आप उनसे पूछ लीजिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, आपने देखा न्यूज़ के माध्यम से, इससे सामना क्या हो सकता कि किसी को हुजूम के अंदर उस महिला की क्या स्थिति होगी। आप जब सोच के हम लोग शहर जाते हैं अपने दिल में डर पैदा हो जाता है कि हमारी बहन बेटी की अगर होती तो हम क्या करते उस टाइम, कि 50 आदमियों की भीड़ है और नग्न करके घुमाया जा रहा है उसको। बाद में खबर ये आई कि ऐसी तो 100 से ज़्यादा हुआ है ऐसी घटनाएं। देखिए ये तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई लेकिन एक का वीडियो आ गया, सब लोगों ने देख लिया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बैन है इस टाइम मणिपुर में। जब इंटरनेट हटेगा वहाँ पे तब आप लोग देखेंगे किस किस तरह की घिनौनी और वीडियोज़ आती हैं, और आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या ये हमारा देश है, जिसमें हम भारत जिसमें हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिल के रहते थे, वो देश हमारा ऐसा है जिसमें लोग ऐसी घटना कर रहे हैं और वो करने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आप इस सवाल पूछिए, केंद्र सरकार से पूछिए। आप क्या चाहते हैं यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हुए प्रदर्शन के लिए, क्या चाहते हैं? हम लोग आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि मणिपुर की जनता को इंसाफ मिले। सबसे पहले वहाँ पे जो लूटमार आगजनी और जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसको रोका जाए, वहाँ पे मिलिट्री लगाई जाए। वहाँ की पुलिस बिल्कुल नाकार हो चुकी है, वहाँ वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो वहाँ मिलिट्री का डेवलपमेंट हो, मिलिट्री वहाँ भेजी जाए और वहाँ पे सबसे पहले पीस कराया जाए कि वहाँ पे शांति हो। उसके बाद जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, जिन लड़कियों के साथ जनतों का बलात्कार हुआ है, उन दोषियों को सजा दी जाए, इसकी मांग करने हम लोग आए। तो साफ तौर पर जो है इनका कहना है कि दोषियों को सज़ा दी जाए, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए। क्या कहेंगे आप जो भी मणिपुर से तस्वीरें निकल कर आई हैं, मणिपुर की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, क्या कहेंगे उस पर? बहुत बुरा है ये, अभी भी लड़ाई चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो वो तस्वीरों आए हैं। हम लोग भी यहाँ दिल्ली में अभी रहता है, मैं भी बाकर आया है 3 तारीख से के बाद 6 तारीख में, तो बहुत बुरा हालत है और बहुत दर्द लगता है हमारे, अभी दर्द अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जो है वहाँ के समुदाय में जो है किस प्रकार का माहौल है? एक्चुअली वो अनफॉर्चुनेट वीडियो निकल करने के बाद वो मैथिली कम्युनिटी लोग है, एक्चुअली वो शर्म आना चाहिए, तो वो लोग अभी मेरा पाई भी लोग ने वो लड़का का घर जाकर घर जलाया, घर भी नहीं है, वो काउशेड है और ऐसे तो कुछ शो कर रहा है, लेकिन उसका फीलिंग क्या है बनो, क्योंकि उस लोग ने हम लोग को बहुत नफरत करता है, कुकी जोमी लोग को। तो क्यों नफरत क्यों है? क्योंकि हम दो एथनिक ग्रुप है, वो लोग मैते हैं और हम लोग कुकी जो है, तो वो लोग भगवाना चाहिए, हम लोग वो मणिपुर से वो लोग चाहिए था कि हम लोग डिस्टिंग यू नो दे वांट टू चेस अस अवे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बिला फेल है, कुछ नहीं हो रहा है, अभी 3 महीने होने वाला है और ये डबल इंजन सरकार कुछ नहीं कर पाया, टोटल लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर है, फेलियर है, तो सरकार ने कुछ न कुछ करना, लेकिन सरकार भी यहाँ इस धमकी में वो लोग भी है, उसका हाथ है, इसलिए वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्यों सरकार क्यों नहीं ख़त्म करना चाहती, सरकार का हाथ इसमें कैसे है? क्योंकि ये है ना वो कुकी जो कम्युनिटी है, उस लोग ने टारगेट करके स्पेसिफिकली टारगेट करके उस लोग ने पहले से वो उसने सरकार ने भी कहा थे हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स है, हम लोग माइग्रेंट्स है, हम लोग यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि अब ऐसे ही नफरत करते हैं हमारा कुकी जो कम्युनिटी, तो हम लोग वेरी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, अमीर लोग है, सब पराए सब यू नो क्या है एजुकेटेड लोग हैं,
तो पता नहीं वो बहुत हम लोग को उसे जैसे हटाना चाहिए, पता नहीं उसका। कहा जाता है कि जो मैतेई समुदाय की जो संख्या है वो ज़्यादा है और कुकी की कम है, लेकिन इनकी जो कब्जा है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो दंगा भड़का हुआ है। हाँ, के लिए दंगा वो लोग मेजॉरिटी है, वो लोग 58% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मणिपुर है, हम लोग सिर्फ 12% है कुकी लोग। लेकिन हमारा ज़मीन है ना पहाड़ पर, वो ज़्यादा है क्यों, लेकिन वो जंगल है, नॉट इनहेबिटेड है, हम लोग ने प्रिजर्व किया जंगल, वो रहने के लिए भी दिसिंग अच्छा रास्ता भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बहुत मुश्किल से हम ट्राइब लोग रहते हैं। लेकिन उस क्योंकि अभी सर्वे किया किसी कंपनी में स्विट्ज़रलैंड और नेदरलैंड से आकर, और उसे पता है कि हमारा ज़मीन कुकी जो ज़मीन से बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम, मैग्नीशियम सब कुछ है, इसलिए वो लोग बहुत जाता थे हमारा लैंड। कहा जाता है कि जब भी ऐसे कई लोग कहते हैं, मणिपुर के ही लोग कहते हैं, जब से अमित शाह गए हैं वहाँ जाते हैं दंगा और भड़क जाता है। हाँ, हम लोग ने सोचा कि हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर मणिपुर में 3 दिन ठहरा और हमने सोचा कि लड़ाई ख़त्म होगा, लेकिन वो मणिपुर में वो गवर्नर घर में ठहरा है, उस समय भी लड़ाई ही ज़्यादा ही फैल गया, उसके बाद ज़्यादा शूटिंग हो गया, यू नो कुकी कम्युनिटी और ये मेईतेई मिलिटेंट्स और हमारा डिसिंग विलेज डिफेंस फोर्स, उससे ज़्यादा ही फैल गया। भारतीय सेना ने आरोप लगाया कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। नहीं, वो लोग ऑर्डिनरी विलेजेस है, वो मेईतेई लिपू और आरंबाई लोग उस दिन उसका विलेज को जाने के लिए आया। कौन सी औरत की बात कर रहे हैं आप? वहाँ की जो महिलाएं हैं मणिपुर की, हाँ, वो उग्रवादियों का साथ दे रही हैं, ऐसा भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया था। हाँ, वो आपने ये महिलाओं हमारा आपने वो पूछा है, ये लोग मेरा पाइपी कहते हैं, वो इंफाल का है, मेईतेई का लोग है, हाँ। वो लोग आतंकवादी लोग के साथ जुड़ा है, इसलिए वो प्रोटेक्ट करने के लिए रोज उसे नाटक कर रहे हैं वहाँ। तो आपने साफ तौर पर सुना कैसे इनका कहना है कि जो सरकार है वो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से मणिपुर में, क्योंकि इतने दिन हो गए दंगे को, अब तक रोक पाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जो सरकार है वो जानबूझकर दंगा भड़का रही है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।